एहसान है और इतनी बड़ी शक्ति है कि हमेशा प्रभु के सेवा में अनवर लगे रहते हैं। चलिए भोलेनाथ, आप जो है दयालु हो, सब कुछ हो, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। भाई हमारे चाचा पिता तुल्य प्रदीप पांडे जी हमारे बीच में हैं इस मंच पे। हम इन सभी लोगों का हम अपने बड़े भैया के द्वारा चाहेंगे कि सम्मान बोलते जाए। हम चाहेंगे सर्वप्रथम हमारे बीच में जगत गुरु पशु सेवक हिंदुस्तान की शान, उत्तर प्रदेश की जान, रायबरेली के मसीहा हमारे बीच में है श्री श्याम साधु जी महाराज। आप लोग ताली बजाकर ऐसी विभूति का स्वागत करने का काम करें। भाई श्याम साधु जी महाराज जी, मैं प्रणाम करता हूं ऐसी हस्ति को। ये हस्ती है, ये हस्ती है, इस जिले की शान है और हम ऐसी विभूति को प्रणाम करते हैं। अब हमारे बीच में हमारे बड़े भैया भी हैं, आदर्शवादी भी हैं, बहादुर से रिटायरमेंट करोगा जो इस कुटिया को सजाने में निरंतर हम लोगों को ऊर्जा देने का काम करते हैं। बड़े भैया श्री रण बहादुर सिंह जी रिटायरमेंट के बाद पूरा समय अपना इस कुटिया को देते हैं, बाबा के दरबार को देते हैं। ऐसी विभूति को भी हम अपना नतमस्तक करते हैं। भैया हमेशा निरंतर इसी क्रम में बढ़ते रहें। भाई कुक्कू सिंह जी ग्राम प्रधान सराय से लक्ष्य हमारे बीच में है, निरंतर आपका भी सहयोग हमेशा हौसलाफजाई हम लोगों को मिला करती है। ऐसी शक्तियों को हमेशा भोलेनाथ सबकी सेवा और सबके सम्मान में ताकत के रूप में हम लोगों को ऊर्जा देते रहें। भाई अंबिका सिंह जी हमारे संरक्षक, काका जी, काका के नाम से प्रसन्न हमारे अंबिका सिंह जी जो निरंतर हम लोगों के बीच में बच्चों के तरीके से भी लगे रहते हैं। इनका ये बचपना है, ये बूढ़े अभी नहीं हुए, इनका बचपना है आपके सामने झलक रहा है। ये है हमारे काका श्री अंबिका सिंह जी, हम इनको भी सत सत नमन करते हैं। भाई राजेश ग्रहण जी छोटे भाई जिन्होंने शक्ति देने का काम किया, ऊर्जा देने का काम किया, निरंतर कंधे से कंधा मिला करके इस कार्य में लगे रहते हैं। भाई राजेश अग्रहणी जी को भी हम बहुत बहुत अपना आशीर्वाद, साधुवाद और भोले बाबा का आशीर्वाद देते हैं। इसी क्रम में की जय। भाई टीपू सिंह जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो तत्काल मंच पे आ जाएं। भैया टीपू सिंह जी आ जाए। भाई अंकित त्रिवेदी जी जो मेरी एक आवाज पर, मेरी एक बात पर 24 घंटे पर खड़े रह करके मेरा सहयोग करने और इस बाबा के परिवार में निरंतर साथ देने का संकल्प लिया, बाबा इनको सिंधु निराज चौगी तरक्की ने, यही मेरी बाबा से दुआ है। बाकी इसके बाद मैं खुद हूँ लेकिन मैं बाद में। भाई मोनू दीक्षित जी दीक्षित ज्वेलर्स जगतपुर ताकत देने का काम हमेशा हम लोगों को किया करते हैं, चाहे कहीं की यात्रा हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, बढ़ चढ़ के हम लोगों को अपना सहयोग हमेशा प्रदान करते हैं दीक्षित ज्वेलर्स मोनू दीक्षित जी। इसी क्रम में भाई फुल्लन मिश्रा जी हौसला उड़ान तो परों से नहीं होती, ये तो बिलपंख के उड़ने वाले नौजवान साथी हैं हमारे फुल्लन भैया। हम चाहेंगे ऐसे नौजवान साथी हमेशा मंच पर और इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर बने रहें, तभी ये देश, ये पृथ्वी चलेगी। भोले बाबा का संपूर्ण आशीर्वाद इनको भी मिलता रहे, भैया को मैं हमेशा इसको याद रखूंगा। रामस्वरूप मिस्त्री जी है, रामस्वरूप कोई है गांव का काका, आप ले लीजिए, आप फिर आ जाइए क्योंकि वो सबसे ग्रस्त और इस कुटिया में 2400 घंटे बने रहने वाले हम लोगों को शक्ति देने वाले भाई श्याम सिंह जी भाई जो ऊर्जा देने का काम करते हैं, निरंतर हम लोगों के सहयोग में लगे रहते हैं और इनका भोले बाबा से बहुत लगाव है और भोले बाबा इनका दिल जो निराज चौगरी तरक्की करें, यही मेरी बाबा सिद्धेश्वर धाम से प्रार्थना है। सिद्धेश्वर धाम की और श्याम बिहारी बाबा की, श्याम बाबा
तो खुद ही श्याम बाबा है। इसी क्रम में हमारे बीच में बाबा राघवदास जो इस कुटिया में निरंतर हम लोगों की इस प्रयास में बहुत ही सज्जन और सेवक व्यक्ति है, भाई शमशेर बहादुर सिंह कारीगर जो निरंतर इस कार्यक्रम में अपना संपूर्ण सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो सहयोग करते हैं, हम भोले बाबा से प्रार्थना करें कि आप लोग के यहाँ अगर छोटा से छोटा भी कार्यक्रम हो तो शमशेर भैया को अवश्य बुलाएं, क्योंकि ऐसे सज्जन व्यक्ति समाज में जब होते हैं तो समाज निरंतर आगे को बढ़ता है। पैसे तो कभी हर व्यक्ति कमा सकता है, पैसे की बात नहीं है, सेवा की भावना होनी चाहिए और वो श्याम भैया हमारे शमशेर भैया में निरंतर है। भाई प्रदीप मिश्रा जी जागरण ग्रुप के ऑर्गेनाइजर प्रदीप मिश्रा जी, भाई हरनाम सिंह जी धर्मदासपुर, हरनाम भैया का जी प्रसाद बहुत सुंदर बना है शमशेर भैया, सभी हमारे रायबरेली से आए हुए ओम शिव शक्ति भैया हरनाम भैया धर्मदासपुर, आपका सहयोग आपकी भावना आपका जो आपकी हम लोगों से मिलने की और पूरे समय देने की जो क्षमता है उसको हम सत सत नमन करते हैं। बाबा आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दें।